नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी वर्किंग की जो स्पीड है वो किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, आपको स्पीड बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में अपने प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कि स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स यही रहते हैं कि सर हमें टेली सॉफ्टवेयर आता है लेकिन हम उसके अंदर वर्किंग की जो स्पीड्स है यानी कि जो डाटा एंट्री की जो स्पीड है उसको हम बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखना, इसके अंदर हम कुछ आपको बेसिक शॉर्टकट्स भी बताएंगे जिससे आपकी जो रूटीन शॉर्टकट्स हैं वो आपके डेली यूज में काम आने वाली है। और स्पीड बढ़ानी चाहिए या कब बढ़ानी चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही आएगी कि स्पीड बूस्ट करें कैसे, करना जरूरी है या नहीं है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है भी कोई भी अगर हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ठीक है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड आपके धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वर्किंग का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो रूटीन की जो शॉर्टकट कमांड्स हैं जो आप यूज करते जाओगे तब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है भी आपने टेली सॉफ्टवेयर को आज सीख लिया और कल से आपकी स्पीड है जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, जैसा कि पुराने अकाउंटेंट लोग करते हैं जिनको आज लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं अकाउंटिंग वर्क करते हुए कंप्यूटर के ऊपर। तो अगर आप चाहते हो भी उनकी जैसी स्पीड आज ही आपकी बन जाए तो वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता ठीक है। और हम बात करते हैं दूसरी शॉर्टकट की कमांड के बारे में। तो जैसे ही हम टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, कोई भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को उठा के देख लो, वाउचर एंट्री पे जाओगे, हर सॉफ्टवेयर की जो शॉर्टकट्स कमांड होती है वो हर उन फीचर्स के सामने यहाँ पर लिखी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माउस का भी यूज करते हैं। तो अगर आप अपनी स्पीड को बूस्ट करना चाहते हो ना तो माउस का यूज आप जहां तक हो सके उसको कम कर दो ठीक है। जैसे आप इसकी स्पीड को माउस का यूज कम करोगे शॉर्टकट कमांड्स आपकी अपने आप ही याद आ जाएगी, क्योंकि अगर आप माउस का यूज करोगे तो आपको इतना पता है मेरे को सेल पे क्लिक करना है और आपका जो ध्यान है ना वो F8 पे जाएगा ही नहीं, आपको परचेज करनी है, आप परचेज देख रहे हो, F9 नहीं देख रहे हो ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर यूज करो, स्पीड अपने आप बूस्ट करना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले उस जो कमांड आप यूज कर रहे हो, जो ऑप्शन आप यूज कर रहे हो, उन सभी के सामने टेली सॉफ्टवेयर ने शॉर्टकट कमांड दी हुई है। यहाँ तक कि आप देख सकते हो मेन जो इसका गेटवे टेली है। अब इस गेटवे टेली की बात करें तो हर गेटवे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फीचर्स हैं इन सबको हाईलाइट किया हुआ है ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए वाउचर एंट्री करोगे तो आपको वी दबाना है ठीक है ना, वी क्यों दबाना है क्योंकि आप वी यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। अब जैसे डे बुक है, अब डे बुक के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे के हाईलाइट है ठीक है, आप के प्रेस करोगे तो आपकी डे बुक ओपन हो जाएगी। तो आप डे बुक पे जाओगे तो आप माउस से क्लिक कर रहे हो ठीक है ना, माउस का क्लिक कर रहे हो तो लेकिन आपको शॉर्टकट दिमाग में आएगी नहीं, इसलिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। एक बार में मैं ये नहीं कह सकता कि आप फर्स्ट टाइम अगर आप माउस छोड़ दोगे तो आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ठीक है ना। जैसे आप फाइनल अकाउंट सब पे जाना है तो F इसकी शॉर्टकट मांड है क्योंकि आप इसके अंदर देख सकते हो F हाईलाइट हो रहा है ठीक है। स्टॉक पे जाओगे S हाईलाइट है, डिस्प्ले पे आप जाओगे डिस्प्ले हाईलाइट्स है, डैशबोर्ड पे जाओगे इसके अंदर आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन हर चीज़ के अंदर आपका अलग अलग हाईलाइट दिया हुआ है ठीक है। और उसके बाद में जैसे हम वाउचर कमांड पे चलते हैं, आपने वाउचर कमांड पे गया, अब आपको देखा मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर है और आपको वाउचर एंट्री करनी है, तो अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप वापस अप और डाउन कीज का यूज़ कर रहे हो, तो इसके बजाय आप माउस का यूज़ कर रहे हो, दोनों सेम है। तो अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है तो सीधा वी प्रेस कीजिए, F8 बटन, आपको सेल एंट्री करनी है F8 बटन प्रेस कीजिए। इस तरीके से आप अपनी स्पीड है जो बूस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जो की है यहाँ पे आप दे सकते हो हर की के आगे, हाँ जिस लाइन के अंदर आप देख सकते हो भी कोई सिंगल अंडरलाइन है वो फंक्शन काम करता है एल्ट बटन के साथ में, और जिसके लाइन में डबल है, डबल अंडरलाइन हो रखी है, वो फंक्शन मतलब ऑप्शन काम करेगा कंट्रोल बटन के साथ में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये एक्सेप्ट है ठीक है ना। अब ये एक्सेप्ट का जो बटन है अब आपका ये किसके साथ काम करेगा, कंट्रोल ए के साथ, एल्ट ए के साथ काम नहीं करेगा ठीक है, एल्ट ए अलग फंक्शन रहेगा, कंट्रोल ए अलग फंक्शन रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो चेंज मोड ऑप्शन आ रहा है,
अब इसके अंदर आप एल्ट एच बटन प्रेस करोगे, कुछ नहीं होगा। तो ये आप कंट्रोल एच बटन प्रेस करो, ये देखिए वो शॉर्टकट कमांड है जो यहाँ पे काम करे, क्योंकि यहाँ पे आप इसके नीचे एच के नीचे डबल अंडरलाइन आप देख रहे हो। इसी तरीके से अगर आपको वाउचर के अंदर किसी प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे F12 बटन पे माउस से क्लिक नहीं करना, आप F12 बटन को प्रेस करिए। उसके बाद में अगर आप किसी फंक्शन पे जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हो अप डाउन करके, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी फंक्शन को आपको यस करना है, तो अब कोई फंक्शन नो है तो आप इस पर वाई बटन प्रेस कीजिए तो यस हो जाएगा, ठीक है। कोई यस है इसको आप एन बटन प्रेस कीजिए, ये नो हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपनी स्पीड से जो वर्किंग आपको प्रैक्टिकल इसका एक्सपीरियंस आपको कंटिन्यू, इसका अभ्यास है जो एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी स्पीड है जो बूस्ट है जो कर सकते हो। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये आएगी भी आपको स्पीड बूस्ट करना जरूरी है या नहीं है, तो इसके ऊपर सबसे मेरी आपसे यही एक राय मैं आपको देना चाहूँगा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है भी, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो आप डेटा एंट्री पर ज़्यादा फोकस रखिए बजाय स्पीड बनाने की, क्योंकि स्पीड आपकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर को टाइम देते जाओगे स्पीड आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। शुरुआत के दिनों में ऐसा ना हो भी आप डाटा एंट्री की स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपकी डाटा एंट्री गलत हो जाए, कोई आपको ये नहीं पता चले भी हमें क्या लिखना है, क्या जल्दबाजी के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स का काम है, ये कोई आपको लेटर टाइप नहीं करे भी वर्डिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब अगर एक भी कोई जीरो फालतू लगी तो आपको पता है हजार वाली अमाउंट सीधा 10,000 पे जंप मारेगी, अगर 10,000 पे अगर एक जीरो फालतू लगा दी तो सीधा 1,00,000 पे जंप मारेगी। तो आपको स्पीड बढ़ाने के बजाय डेटा एंट्री पे प्रॉपर फोकस रखना है भी। ऑप्शन हम जो एंट्री कर रहे हैं भले ही आपकी स्पीड कम होगी शुरुआत के दिनों में, लेकिन जितना आप अकाउंट्स का काम कर रहे हो वो काम आप बिल्कुल केयरफुल करें, क्योंकि अकाउंटिंग का काम आज के टाइम में आप देख सकते हो टैक्सेशन में, इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, मतलब इतने ज़्यादा कंप्लेक्स आ चुके हैं जहाँ पर आपकी गलती की गुंजाइश है जो ना के बराबर है। जितनी ज़्यादा अगर आप गलतियाँ करोगे उतनी ज़्यादा आप अपनी कंपनी को दिक्कत में डाल सकते हो, क्योंकि एक गलती की वजह से बहुत सारे नोटिस का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सजेशन करूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत के अंदर अभी शुरुआत करी है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने की, तो वो शॉर्टकट पे ज़्यादा ध्यान देने के बजाय डेटा एंट्री पे करें, भले ही आपको शुरुआत के दिनों के अंदर चाहे माउस का यूज़ करना पड़े भले ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको वाउचर की एंट्री प्रॉपर पता नहीं, ऐसा ना हो भी एंट्री आपको करनी रिसिप्ट की है, एंट्री आप कर रहे हो पेमेंट में, तो वो एंट्री आपकी स्पीड भी कोई काम की नहीं है। स्पीड का मतलब हो गया भी आपको फुल एक्सपीरियंस है, आपको पता है भी आप इसके बाद में मेरे को क्या काम करना है, तब आप ये सारी चीज़ें स्पीड से अपने आप आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो गो टू का, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट इसकी क्या है एल्ट जी, ठीक है, एल्ट जी के क्या आ गया गो टू। अब इसके अंदर लगभग ऑलमोस्ट फंक्शन यहाँ पर दे दिए, अब आपको अप डाउन नहीं करना यहाँ पे कोई चीज़ को ढूंढने के लिए, आपको करना क्या है कोई भी रिपोर्ट देखनी है आप वहाँ पर सर्च करो, मान लीजिए मेरे को जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है तो मैं यहाँ पर सीधा लिखूंगा जीएसटी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर जीएसटी टाइप कर दिया, अब जीएसटी से संबंधित जितने भी इसके अंदर ऑप्शन है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे दिए। अब उसके बाद ऐसा नहीं है अभी आप 3B क्लिक करोगे 3B के ऊपर आप इसके जाके क्लिक करो, आप कीबोर्ड का यूज़ करो अप डाउन करने के लिए, माउस को जहाँ तक हो उसके इग्नोर करते रहो, ठीक है। 3B मैंने ओपन किया, ओपन कर दिया। अब इसके अंदर मान लीजिए आपको पीरियड चेंज करना है, तो ऐसा नहीं हो भी आप यहाँ पे पीरियड पे आप क्लिक करो माउस से आके, इसका शॉर्टकट कमांड इसके सामने दिया हुआ है क्या F2, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा पीरियड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। वापस आपको बैक जाना है तो वैसे तो बैक का बटन यहाँ पे, ये जो क्रॉस का बटन है यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दो तो सॉफ्टवेयर बैक आता है, आपको यहाँ पे कीबोर्ड से इसके बटन प्रेस करते हैं। इसी तरीके से कुछ हिडन कमांड्स भी होती है, जैसा कि मान लीजिए हमने एक सेल इनवॉइस किया, आप देख सकते हो ये एक सेल इनवॉइस है, ठीक है। अब इस सेल इनवॉइस का मान लीजिए मेरे को एक डुप्लीकेट इनवॉइस बनाना है, यानी कि सेम यही है, यही कैश की एंट्री है, सेम मतलब आइटम है, सेम क्वान्टिटी है, सेम रेट है, तो मेरे को डुप्लीकेट इसका वाउचर बनाना है, वाउचर नंबर 3। तो जैसे मैं इसको एल्ट के साथ 2 बटन प्रेस करूंगा, 2 कौन सा करना है जहाँ जिसके ऊपर आपको @ का निशान सिंबल दिया होता है, वो एल्ट बटन प्रेस करते हुए 2 दबाना है। तो जैसे मैंने प्रेस किया, मैंने 3 नंबर वाउचर कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया, ठीक। आप देख सकते हो सेम चीज़ की यहाँ पर मैंने 3 नंबर वाउचर एंट्री होगी। तो अब इस टाइप की कमांड की एंट्रीज आप जब कर पाओगे जब आपको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपने टाइम लगातार इसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया,
टेली सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कर करके सीखने के बाद में, तब आपको धीरे धीरे सारी बातें पता चलेगी। क्योंकि शॉर्टकट आप याद तो कर लोगे, लेकिन जब आपकी इसकी जरूरत होगी तब आपके दिमाग में वो शॉर्टकट है जो स्किप हो जाएगी। दिमाग में कब रहेगी? जब वो सारी कमांड्स आप रूटीन में उनको यूज करते रहोगे तब आपके माइंड में रहेगी। जैसा कि मान लीजिए हम गए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमें यहाँ पे वाउचर लेके आना है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। वो कहाँ दिया हुआ है? इस अदर वाउचर्स में। और अदर्स वाउचर में जाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे Alt F6 तो है क्रेडिट नोट के लिए और Alt F5 बटन है डेबिट नोट के लिए। तो अब आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट का रूटीन में यूज करोगे तो आपको पता है भी मैं Alt F6 बटन प्रेस करना है तो क्रेडिट नोट, Alt F5 बटन प्रेस करना है तो डेबिट नोट। और अब मान लीजिए आपको नहीं पता है लेकिन उसके बावजूद भी आपको अदर ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे आप इसकी कमांड देख सकते हो कौन सी है, F10 की। तो आप F10 बटन प्रेस कीजिए, F10 बटन के बाद में यहाँ पे आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इसी तरीके फिजिकल स्टॉक है, स्टॉक जर्नल की एंट्री के लिए आपको शॉर्टकट कमांड है। सॉफ्टवेयर ने दे रखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप बता रहा है भी आपको इस ऑप्शन के लिए जाने के लिए आपको एल्ट के साथ एल प्रेस करना है या कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करना है। जैसा अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हम एक वाउचर एंट्री ओपन करते हैं, इस वाउचर एंट्री, अब आपको मान लीजिए इस वाउचर को सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमेशा आप अगर शॉर्टकट कमांड नहीं पता आपको तो क्या करोगे, एल्ट बटन प्रेस करोगे और इसको एक्सेप्ट करोगे। अब मान लीजिए इसको सीधा यहीं पे एक्सेप्ट करना है तो इसके लिए ये एक्सेप्ट वाला बटन दिया हुआ है, इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल ए। आपने जैसे कंट्रोल बटन दबाया, कंट्रोल ए, ठीक है ना। अब एक बार चीज और देखोगे, जैसे मैं कंट्रोल का बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पे जो गो टू वाला ऑप्शन है वो देखो क्या है, स्विच टू, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने कंट्रोल जी बटन दबाया, ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल जी बटन बताया यहाँ पर आ रहा है लिस्ट ऑप्रोवेड स्विच, किसके अंदर आप स्विच कर रहे हो, डैशबोर्ड के अंदर कर रहे हो, बैलेंस शीट के अंदर कर रहे हो, तो डायरेक्ट आपके वहीं पे बैलेंस शीट पे आ जाओगे, एस्केप करोगे वापस आप बैक आ जाओगे। तो कुछ इस तरीके के जो शॉर्टकट कमांड्स है आपके, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप बताएगा। और स्टार्टिंग में आपको मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा भी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, नए हो, तो आप स्पीड बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस मत करो, प्रॉपर आप अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री जो भी हमारी है परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट की, उन वाउचर एंट्री को प्रॉपर करना सीख लोगे तो स्पीड आपकी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपका जो मन का डाउट था स्पीड बूस्ट करने का वो क्लियर हो गया होगा। तो आपको माउस का जो यूज है वो बहुत ही कम करना है, शुरुआत के दिनों में आपका हाथ जो माउस पे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे जैसे शॉर्टकट्स के कमांड के ऊपर आप हाथ मतलब थोड़ा सा बढ़ना चाहते हो तो आप माउस का जो यूज है वो धीरे धीरे कम करते रहो, क्योंकि अप डाउन और हर चीज का शॉर्टकट सॉफ्टवेयर आपको अपने आप जो बताएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो और भी लगातार मिलती रहेगी।